नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फीएसटे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गए, बहुत बड़ी एविडेंस लेके आ गए, जो कि कल के डेट में ये एविडेंस लगने वाले हैं। और कैबिनेट में फाइनल 2023 के नियमावली जिस दिन पास हुआ, जिस डेट को पास हुआ है, वही हम आपको नियमावली लेके आए। उस नियमावली में स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं काउंसलिंग का आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जो 31 मई 2023 को फाइनली 2023 का नियमावली कैबिनेट में फाइनली मोहर लगा था, तो उसमें क्या लिखा हुआ, उस नियमावली में क्या लिखा हुआ, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं पूरी डिटेल्स में, जो 2023 के नियमावली जो फैली कैबिनेट से पास हुआ था, उसमें क्या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, जो कि कल ये नियमावली कोर्ट में लगेगा और क्या कारगर साबित होगा, क्या इस नियमावली से हो सकता है, कल कोर्ट में क्या फैसला आएगा, सभी जानकारी वन बाय वन करके टॉपिक वाइज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, ये 31 मई 2023 का पेपर है। बिहार में एनएम की बाली अब लिखित परीक्षा से होगी, नीतीश कैबिनेट का फैसला। तो चलिए हम आपको पूरा इसके बारे में जानकारी देते हैं, क्या लिखा हुआ और क्या आगे बोल रहा है। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ, देख लीजिए, यहाँ पर बिहार में करीब 11,000 पदों पर एनएम की नियुक्ति होने वाली है। भर्ती की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई, हालांकि इस भर्ती पर लिखित परीक्षा का नियम लागू नहीं होगा। देखिए स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है आपके सामने में, देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, जो कि 31 मई 2023 के ये न्यूज है, जिस दिन फाइनल कैबिनेट में मोहर लगा था 2023 के नियमावली पर। और आगे भी पढ़ सकते हैं, चलिए आगे भी हम आपको बता रहे हैं, डेट भी आपके सामने में है, डेट भी देख लीजिए यहाँ पर 31 मई 2023। देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, बिहार में एनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की बहाली अब लिखित परीक्षा के जरिए होगी, साथ ही एनएम नर्सों का संबंध, देख लीजिए, संवर्ग अब राज्य स्तर पर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब तक एनएम का संवर्ग जिला स्तर पर होता था, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। ये समझ में आ गया और आप भी देख सकते हैं, चलिए आगे बताते हैं। ये तो आप न्यूज बता दिए और उस दिन का पेपर कट देख लीजिए, चलिए हम पेपर कट भी आपको बताते हैं, देख लीजिए दोस्तों, इसको लास्ट में हम आपको बताते हैं। ऊपर में तो लिखा हुआ है फैसला, बिहार में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी एनएम की भर्ती। सबसे नीचे हमको ये पूरा नहीं पढ़ना, उसी दिन का पेपर, हम नीचे चलते हैं, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए एनएम की नियुक्ति अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग भेजा गया, इस नियुक्ति पर लिखित परीक्षा का निर्णय लागू नहीं होगा। देख लीजिए आपके सामने में हर चीज हम आपको दिखाते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पर देख लीजिए, इस नियुक्ति पर लिखित परीक्षा का निर्णय लागू नहीं होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं आपके सामने में लिखा हुआ, जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो उस पर नया ठीक है निर्णय लागू होगा, मतलब जो नया वैकेंसी आएगा अब ये नियमावली बनने के बाद उस पर ये नियमावली काम करेगा, लागू होगा। तो स्पष्ट रूप से हम आपको बता दिए, और लोग जो हल्ला कर रहे हैं ये होगा कुछ नहीं होगा, ये पेपर कट हुआ न्यूज वाले, और उस दिन का जो लेटर कैबिनेट में जो है टोटल 24 एजेंडा पर मोहर लगा था 31 मई 2023 को, तो उसमें से ये निकाला गया है और फाइनली कोर्ट में लगाया गया है, जो कि कल कोर्ट में ये पेश होगा। आगे देख लीजिए, और इस लेटर ये लेटर्स तो आप लोग वाकिफ है ही, इस लेटर के बारे में हमको तो बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग पूरा वाकिफ है इस लेटर से, जो कि प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये लेटर बिहार स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ यहाँ पर देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं, विज्ञापन संख्या 07/2022, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के पद पर नियुक्ति है तो काउंसलिंग कराने के संबंध में जो लिखा गया था टोटल, जिसमें 32,127 स्टूडेंट शामिल है काउंसलिंग में, हर चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि ज्ञान मोहर पटना बुक करने के लिए देख लीजिए बीटीसी आयोग के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखा गया, ये भी लेटर
लागू होगा, जो कि टोटल 48 दिन लगभग यह काउंसलिंग चलने वाला था। और इसके बावजूद भी जो है जबरदस्ती 2023 की नियमावली लागू करने के बाद, जो कि स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है, जो ये नियमावली पर नहीं लागू होगा, ये जो ये नियमावली बना है ये वैकेंसी पर लागू नहीं होगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो देख लिए हम आपको, तीन तीन एविडेंस आपके बीच हम रखे हैं, आप समझ गए होंगे, देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है। और ये हम आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल पर दे दिए हैं, तीनों आज का जो तीनों एविडेंस है हम व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम पर दे दिए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। थैंक यू। देख लिए दोस्तों, 31 मई 2023 को फाइनल कैबिनेट में मोहर लगा था, उस समय महागठबंधन की सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, जो 2023 के नियमावली में मोहर लगा था फाइनल। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, स्पष्ट रूप से जो इस वैकेंसी मतलब बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट की वैकेंसी में ये नियमावली लागू नहीं होगी, ये नियमावली से वैकेंसी में लागू नहीं होगी। और आने वाला जो वैकेंसी है, जो स्वास्थ्य विभाग में आने वाला जो भी वैकेंसी है, एनएम जीएनएम फार्मासिस्ट ओटी एजीसी एक्सरे टेक्नीशियन, वे सभी में जो न्यू वैकेंसी आएगा, मतलब ये नियमावली के बाद, ये नियमावली जारी होने के बाद जो न्यू वैकेंसी आएगी उसी पर ये नियमावली लागू होगा, न कि ये वैकेंसी पर नियमावली लागू होगा। और ये नियमावली कर कोर्ट में पेश किया जाएगा हम लोग के तरफ से, जो कि अर्णव श्रीवास्तव सर के पास चला गया है, मौनी सर के पास चला गया। और ये एविडेंस बहुत बड़ा एविडेंस है, हम आपको बोलते हैं ना जो हम करते हैं, और हम आपको जो ये एविडेंस दिखाते हैं कोई गलत एविडेंस नहीं दिखाते, तो जो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आप देख लीजिए और आप पढ़ सकते हैं। और देख लीजिए हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल पर दे दिए, आप कहीं भी जाके इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो कि हम आपको डेट भी बता दिए हैं, 31 मई 2023 का ये नियमावली है, जो कि फाइनल कैबिनेट में मोहर लगा था। और पेपर भी देख लीजिए, पेपर भी हम आपको दिखाएं, पेपर भी उसी दिन का पेपर है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यही हम आपको जानकारी देने के लिए आए थे, आई होप कि आप समझ गए होंगे, जो पप्पू भाई जो भी जानकारी देते हैं सही और ऑथेंटिक ही जानकारी देते हैं, कभी कोई गलत जानकारी नहीं देते। तो दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जैसे ही अदर और वीडियो कोई लेके आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और शाम 7 बजे 8 बजे तक हम आपको केस स्टेटस भी दिखाने वाले हैं, 8 बजे जो हमारा वीडियो आएगा और मौली सर का नाम ऐड हो जाएगा, तो हम 8 बजे के आसपास हम आपको दिखाने वाले, ये वीडियो इसलिए हम आपको बताए हैं, ये वीडियो इसलिए हम आपको दिए हैं, जो कि नियमावली देख लीजिए। और सुरजीत सर गए हैं, आज सुरजीत सर गए हैं, और ये एविडेंस अभिनव श्रीवास्तव सर को और मौली सर को दिए। तो दोस्तों, फाइनली यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आपके पास यह जानकारी हम पहुँचा दिए। तो दोस्तों, जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।